मध्य प्रदेश के बालाघाट से विधायक और एमपी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो कहीं चाय बनाते हुए तो कहीं घोड़े पर बैठे हुए नजर आए। उनके दो वीडियो वायरल हो गए। पहले वीडियो में गौरीशंकर बिसेन एक गांव में चाय की दुकान पर बैठकर चाय बनाते दिखे, तो दूसरे वीडियो में वो पगड़ी पहनकर घोड़े पर बैठकर नाचते नजर आए। दरअसल बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन अपने क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं का प्रचार करने गांव-गांव घूमे, जहां उनका ये अनोखा अंदाज दिखा। और असम में पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। चेकिंग के दौरान 1020 किलोग्राम गांजे की खेप जब्त की गई और एक ट्रक ड्राइवर को जेल भेज दिया। गांजे के साथ पकड़ा गया ट्रक त्रिपुरा की तरफ से असम की ओर आ रहा था, तभी चुराईबाड़ी पुलिस चौकी के पास पुलिस वालों ने चेकिंग की। ट्रक में लदे रबड़ के बंडल के नीचे छिपाकर रखे गए 51 पैकेटों में 1020 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेप तस्कर कहां खपाने वाले थे। पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर इस गैंग से जुड़े दूसरे लोगों को भी पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। इधर हरियाणा के भिवानी कांड में एक नया मोड़ आ गया है। अब दो लोगों को जिंदा जलाने के आरोपी श्रीकांत के परिवार वालों ने राजस्थान पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का गंभीर आरोप लगा दिया, जिसके मुताबिक 16 फरवरी की रात 3 बजे राजस्थान पुलिस के 30 से 40 लोग जबरन घर में घुसे और मारपीट की। आरोपी श्रीकांत के घर की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें घर के सामान बिखरे पड़े दिखे, सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा था। आरोपी श्रीकांत की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ये भी आरोप है कि राजस्थान पुलिस के लोगों ने श्रीकांत की गर्भवती पत्नी से मारपीट की, जिसकी वजह से गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। माता पाई होने से उनको दिक्कत बन गई, फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई ऑपरेशन दौरान। राजस्थान पुलिस के खिलाफ दर्ज हुए इस केस की जांच में अब हरियाणा पुलिस भी जुट गई है। राजस्थान के भरतपुर के दो भाई नासिर और जुनैद का अपहरण कर 15 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में उन्हें जिंदा जलाने के आरोप लगे थे। और जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने कुलगाम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया है। कश्मीर पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात का पर्दाफाश हुआ है, ये सभी आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे, साथ ही आतंकवादी संगठनों की मदद भी करते थे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने डंडे से एक डॉक्टर की बुरी तरीके से पिटाई कर दी और कार के शीशे भी यहां पर तोड़ दिए। पेट्रोल भरवाने के दौरान मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग डंडे से डॉक्टर की पिटाई करते नजर आए। कार में सवार महिलाएं पंप कर्मचारियों को समझाती भी नजर आई हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बताया गया कि पेट्रोल भरवाने के दौरान रीडिंग को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से कहा सुनी हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट से पहले डंडे से डॉक्टर की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया और जब वो कार से बाहर निकलकर रोकने लगे तो डंडे से पिटाई कर दी गई। पेट्रोल पंप के संचालक के जो वहीं पर काम करने वाले हैं। बताया गया कि इस घटना में डॉक्टर के सिर में चोट भी आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।